तो यहाँ से हमने एक कॉपी कर लिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री है परचेज रिटर्न। ओके, नॉट रजिस्टर्ड। तब एंट्री क्या होगी कि हाँ, अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएंगे। ये कॉपी कर ले। 115। एंट्रीज कंप्लीट हो गए। आप प्री अकाउंट बनाते इसमें। अच्छा, आप इसका ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा। सेल्स टैक्स का ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, नेचर क्या है बिजनेस, नेचर क्या है बिजनेसमैन के लिए? पेबल ही होता है, लायबिलिटी है। नॉर्मली पेबल है, लायबिलिटी होती है, कभी कभार रिकवरेबल हो जाता है ना। तो अगर सेल्स टैक्स पेबल है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर, और अगर रिकवरेबल है तो डेबिट आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस पेबल है तो क्रेडिट होगा, रिकवरेबल है तो डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमने एंट्रीज बनाई वो पोस्ट करेंगे। पहली एंट्री हमने बनाई थी सेल्स की, तो सेल्स के टाइम पर सेल्स टैक्स किस साइड पर रिकॉर्ड हुआ था, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, सेल्स की एंट्री देखिए, क्योंकि सेल्स के टाइम पर हम सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है ना। तो सेल्स टैक्स ऑन सेल्स कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड। ओके, और सेल्स रिटर्न होंगी तो डेबिट हो जाएगा। परचेज की हमने गुड्स, परचेज का टाइम पर टैक्स पे करेंगे तो वो रिकवरेबल होगा, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड। और परचेज रिटर्न के टाइम पर क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद पेमेंट की एंट्री क्या बनती है? सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पे हम टैक्स पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो सेल्स टैक्स डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक क्रेडिट होगा, सेल्स टैक्स डेबिट हो जाएगा। अच्छा, सेल्स टैक्स क्या था? रिफंडेबल रिकवरेबल था। अब हमें रिफंड रिसीव हो रहे हैं, हम रिफंड रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी फिर? कैश बैंक या बैंक डेबिट होगा और वैट क्रेडिट हो जाएगा ना। सेल्स टैक्स आपका क्रेडिट, रिफंडेबल है डेबिट, रिफंड रिसीव जब होगा तो ये क्रेडिट साइड का, कैश डेबिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट। इसके बाद अकाउंट्स क्लोज करेंगे और ये क्लोजिंग बैलेंस था। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस किसी भी साइड पर आ सकता है, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट। ये कंप्लीट हो गया आपका टी अकाउंट्स कंप्लीट फॉर्मेट है, ये कॉपी कर ले। अच्छा, अब इसमें जो एंट्रीज याद रखने का आसान तरीका आपको बता दो, सेल्स टैक्स डेबिट कब होगा क्रेडिट कब। देखिए, एंट्रीज आप एंट्रीज से चलते हैं, यहां से आपको बताता हूँ, सारे के इजीली इसको याद रख सकते। अच्छा, सेल परचेज तो आपको पता ही है ना, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। याद रखने का आसान तरीका क्या है? देखिए, सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स टैक्स भी क्रेडिट हो, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स टैक्स भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अच्छा, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है तो उसका सेल्स टैक्स भी डेबिट पर आएगा, परचेजेस डेबिट होती है तो उसका सेल्स टैक्स भी डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है तो सेल्स टैक्स भी। ये एक आसान तरीका याद रखने के लिए, जो चीज जिस साइड पर रिकॉर्ड हो रही है उसका सेल्स टैक्स भी उसी साइड पर आए, सही है? तो ये याद रखें। बाकी पेमेंट का तो आपको बताया, पे करेंगे लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो सेल्स टैक्स डेबिट हो जाएगा, और जब रिफंड हमें रिसीव होगा तो रिसीवेबल डिक्रीज होंगे तो सेल्स टैक्स क्रेडिट।
अब ये चीज ज्यादा ठीक है, जो चीज साइट पर आ रही है उसका टैक्स भी उसी साइट पे रिकॉर्ड। इसी तरह आप एक टी अकाउंट बना सकते हैं। अब सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स टैक्स ऑन सेल्स कहाँ आएगा, क्रेडिट साइट पर। सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है तो सेल्स टैक्स डेबिट हो जाएगा। परचेजेस डेबिट होती है तो सेल्स टैक्स ऑन परचेज डेबिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होंगी, सेल्स टैक्स भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। बाकी पेमेंट हम करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज होगी डेबिट, और जब रिफंड रिसीव करेंगे तो ये क्रेडिट। इसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे और ये बैलेंस किसी एक साइड पर आएगा। देखिए ये इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट है, इसकी जैसे मैंने दो बैलेंस बीडी लिखे हैं, दो बैलेंस सीडी, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो एक ही बैलेंस है, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये तो एक फॉर्मेट है जो मैंने बता दिया कि किसी भी साइट पर आ सकता है। तो बैलेंस जो है ओपनिंग क्लोजिंग किसी भी साइट पर आ सकते हैं, लेकिन कोई एक साइट पर आएंगे, दोनों साइट पर नहीं होंगे। अच्छा ये एक पॉइंट और नोट कर लें, देखिए जो आपकी गुड्स होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन टाइप्स की हो जाती है। तो तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं गुड्स को, प्रोडक्ट्स को। ये क्या जाती है आपकी स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स होंगी, स्टैंडर्ड रेटेड। अब वो कौन सी होगी जिन पे जो इनपुट टैक्स है स्टैंडर्ड रेट से अप्लाई होगा, आउटपुट टैक्स भी स्टैंडर्ड रेट से अप्लाई होगा। फरीते वक्त आप स्टैंडर्ड रेट से टैक्स पे करेंगे और स्टैंडर्ड रेट से चार्ज। जैसे कि क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें रेट क्या आ रहा था, 15% आ रहा था ना, 15 17 जो भी है। तो इनपुट आउटपुट दोनों पे स्टैंडर्ड रेट अप्लाई। अच्छा एग्जाम गुड्स होती है, तो एग्जाम जिसपे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, ना इनपुट टैक्स होगा ना आउटपुट होगा। अब इसमें कौन से गुड्स आ सकती हैं, कोई आइटम याद है जिसमें सेल्स टैक्स ना लगता हो, कोई प्रोडक्ट, बता सकते हैं? नहीं हर चीज पे ही लगता है, नहीं कुछ चीजों पे नहीं लगता। नहीं नहीं दूध खरीद के लाते हैं, दूध पे सेल्स टैक्स होता है, नहीं होता। अंडे लाते हैं, डब्बे वाले पे होता है, खुले पे नहीं होता ना, खुला दूध नहीं उसमें होता ही नहीं। सब्जियों पे सब्जी खरीदते हैं उसमें नहीं होता, खरीद ही नहीं आती। हाँ ठीक है, तो इस तरह के जो आइटम्स हैं, दूध हो गया आपका, जैसे सब्जी हो गई, अंडे आप खरीद लें, इन पे सेल्स टैक्स हाँ इस पे भी नहीं होता।
अच्छा इसके बाद आती है फिर जीरो रेटेड गुड्स। जीरो रेटेड में क्या होगा, जिसमें इनपुट टैक्स तो स्टैंडर्ड रेट से ही चार्ज होगा, मतलब खरीदते वक्त आप टैक्स पे करेंगे और सेल करते वक्त 0% टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, हाँ परचेज करते टाइम, परचेज करते हुए आप जैसे एज अ बिजनेस मैन बात कर रहे हैं ना, परचेज के टाइम पर तो आप टैक्स पे करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, जो भी होगा 15%, 17%, 20% जो भी रेट है। और जब आप सेल करेंगे, सेल करते हुए आप चार्ज कितना करेंगे, 0%। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स इसके एग्जाम्पल में लिख लें, एक्सपोर्ट कोई भी आइटम आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जब वो आप लोकल मार्केट से खरीदेंगे या लोकल मैन्युफैक्चरर से बाय करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वही गुड जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, मतलब 0% चार्ज। सही, तो इसके एग्जाम्पल तो जो आप पे करेंगे वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो इसमें होता है कि जो आप पे करते हैं वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती, क्योंकि इसमें आउटपुट हमेशा जीरो ही रहेगा, इनपुट आपका बढ़ता जाएगा, तो वो आप गवर्नमेंट से फिर उसका रिफंड क्लेम करते हैं, रिफंड आपको मिलता है। इसमें एग्जांपल में लिख लीजिएगा एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड। सेल्स की एंट्री बनाई, अब इससे देखिए रिसीवेबल को हम डेबिट के सब अमाउंट से कर रहे हैं, ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, और सेल्स को हमने क्रेडिट किया नेट अमाउंट। अब ये पॉइंट भी याद रखिएगा, रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होंगे ग्रॉस अमाउंट से और सेल्स रिकॉर्ड होगी नेट अमाउंट। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो रिसीवेबल डेबिट होंगी ग्रॉस अमाउंट से और सेल्स क्रेडिट होंगी नेट अमाउंट। अच्छा इसी तरह सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में भी रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं ग्रॉस अमाउंट से और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे नेट अमाउंट। ठीक, अच्छा परचेज के एंट्री में परचेजेस को हमने डेबिट किया है नेट अमाउंट से और सेल क्रेडिट हो रहे हैं ग्रॉस अमाउंट। ये आपके यहाँ क्योंकि एमसीक्यू से पूछता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहे हैं ग्रॉस अमाउंट से और परचेज रिटर्न क्रेडिट होंगी नेट अमाउंट। अब ये पॉइंट नोट कर लें कि अकाउंट रिसीवेबल और पेबल हमेशा ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड होंगे, सेल सेल्स रिटर्न परचेज परचेज रिटर्न नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, रिसीवेबल पेबल ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड होंगे, सेल्स सेल्स रिटर्न परचेज परचेज रिटर्न नेट अमाउंट। ये नोट कर लें पॉइंट्स, याद रखिएगा रिसीवेबल पेबल ग्रॉस अमाउंट, सेल्स सेल्स रिटर्न परचेज परचेज रिटर्न नेट अमाउंट। आप एग्जाम के कंप्लीट करते हैं जो क्वेश्चन रह गए थे। आप पहले क्वेश्चन है 114, इसका आंसर बताएं क्या होगा। 114 114 A to sold goods to the value of 500 net to Harper. A to's accounting record, what would be the debit to Harper's account if sales tax is payable at the rate of 17.5? अच्छा, इसमें supplier कौन है, customer कौन है? Supplier कौन है? A को, और customer कौन है? Harper. अब कह रहे कि जो हार्पर अकाउंट है उसको डेबिट आप करेंगे, किस अमाउंट से डेबिट करेंगे? हार्पर यानी कि रिसीवेबल की बात हो रही है, तो रिसीवेबल ग्रॉस अमाउंट से डेबिट होंगे 500, यहाँ पर आपको नेट अमाउंट दिया हुआ है। अब नेट से आप ग्रॉस पहले कैलकुलेट करें,
ग्रॉस अमाउंट क्या बनेगा, तो वही आंसर होता है। तो ये आंसर आएगा, इसका ग्रॉस अमाउंट बनेगा सी 587, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो रिसीवेबल डेबिट करेंगे ग्रॉस अमाउंट, मल्टीप्लाई करें इसको 500 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 100, टैक्स आ जाएगा, इसमें ऐड कर लें। अच्छा, अगर डायरेक्ट आपको ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना हो, नेट अमाउंट से डायरेक्ट ग्रॉस अमाउंट, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 117.5 से, डिवाइड करें 100, डायरेक्ट आप ग्रॉस भी निकाल सकते हैं। ग्रॉस आपने भी दो तरह निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, बता रहा हूँ। यहाँ पर नेट अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना था 500, तो नेट अमाउंट कितना है 500, इसका सेल्स टैक्स अगर आप कैलकुलेट करें, सेल्स टैक्स कितना था 17.5%, ये कितना बनेगा 87.5, तो ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा 587.5, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना है, अगर डायरेक्ट ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना हो, कैसे करेंगे, 500 मल्टीप्लाई करें 117.5 से और डिवाइड कर दें 100 से, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास 587.5, ठीक है। यहां पर क्या था, सेल्स टैक्स कितना है 17.5% है, तो ये नेट अमाउंट कितना परसेंट होगा, ये हमेशा 100% होता है, ग्रॉस कितना हो जाएगा 117.5%। अब ये भी कर सकते हैं, 500 का 117.5% कैलकुलेट कर लें, तो डायरेक्ट आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ जाए, ठीक है, नेट। आप चाहे तो टैक्स कैलकुलेट करके ऐड कर लें, या डायरेक्ट उसको ग्रॉस में भी कन्वर्ट कर सकते, नहीं परसेंटेज ही होगी, तो 114 हो गया, ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट है 115, तो रीड कर लें। अब इसमें बनेगा टी अकाउंट, टी अकाउंट बनेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है आउटपुट और इनपुट, यहाँ आउटपुट का मतलब सेल और इनपुट परचेज, ओके, रेट दिया हुआ ऊपर 17.5 सेल परचेज, उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस है, और उसके बाद से पेमेंट्स बताइए, और क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसका टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद टी अकाउंट बनाएंगे। लिखते हैं यहां पर सेल्स टैक्स ऑन सेल्स, सेल्स कितनी है 60,000, टैक्स का रेट कितना है 17.5, क्या डिवाइड किससे करें, 100 से या 117.100 से, क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में हम डिवाइड करेंगे 100 से, आ रहे आंसर 10,500 आएगा, ठीक है। 10,500 हो गया सेल्स टैक्स ऑन सेल्स या आउटपुट टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस, परचेज कितनी है 40,286, क्या डिवाइड किसे करें, हाँ अब ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, तो इसे डिवाइड करेंगे 117.5 से, तो आंसर आएगा 6,000 आ जाएगा। अब हम बनाएंगे टी अकाउंट, सेल्स टैक्स का टी अकाउंट बनाते हैं,
अकाउंट सेल्स टैक्स। इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ कितना 3000। अच्छा अभी लिखा है ओ टू टैक्स अथॉरिटीज यानी कि पेबल है ना, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर। अच्छा अब ये सेल्स टैक्स ऑन सेल डेबिट होगा क्रेडिट, क्रेडिट होगा, और सेल्स टैक्स ऑन परचेज डेबिट हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट्स हैं 2600 पे किए, तो पेमेंट कहाँ आएगी, डेबिट साइड पर आ जाएगी ना, सेल्स टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। आप अकाउंट क्लोज करते हैं, अकाउंट क्या अच्छा क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 13,900। डेबिट साइड माइनस करें 8,000, 8,600 कैरी डाउन, और ये नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा ब्रॉट डाउन। आंसर क्या हुआ 8,600। ऑप्शन नहीं गलत आ रहा है, 600 5,300 आएगा। ठीक, तो बैलेंस आया 5,300, ऑप्शन डी। करेक्ट हाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जी किया क्या लिखा था, ओके वन वन सिक्स परसों के पहले किया हुआ है ये आंसर, सेवेंटीन भी कर चुके हैं, इसका भी ए आंसर था, दो बार किया। ठीक है 118। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स डेबिट होती है क्रेडिट होती है, क्रेडिट और नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस से, सेल्स नेट, सेल्स क्रेडिट होगी नेट अमाउंट, और नेट अमाउंट होता है एक्सक्लूडिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और नेट अमाउंट एक्सक्लूडिंग होता है, ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग होता है। नाइनटीन हो गया सी आंसर, 120, 120 इसमें एंट्री बतानी है आपको, सेल्स की एंट्री। अच्छा पीएलसी ना, पीएलसी में बने जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेबिट, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल,
लैब एक सेल्स का एक स्टैटिक सेल्स इस तरह आई थी, पूरे एंट्री बन गई। आंसर क्या आ रहा है? बी, बी आंसर आएगा। ठीक है, इसी में मैं डायमंड होंगे ग्रॉस से, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स से क्रेडिट और सेल डिनाइड अमाउंट से क्रेडिट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रिसीवेबल डेबिट, सेल टैक्स क्रेडिट, सेल क्रेडिट। वन ट्वेंटी वन ये हमने कर लिया था, डिस्काउंट माइनस करके टैक्स निकाल लेंगे ना, 122 भी हो गया। वन ट्वेंटी थ्री भी कर लिया, 124 भी हो गया, ओके 125 125 जी। बी एक नहीं, बी फोर टू, बी सर बी 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 डी। आप कह रहे डी, आप कह रहे बी, बी आगे बताएं, ऑप्शन बताएं। अच्छा देखिए, सेल्स सेल्स क्रेडिट होती है, बी होगा या डी होगा, ए और सी तो नहीं होंगे, डी होगा। डी फोर आपका बी, सेकंड डी आपका बी, आप दो तीन, एक दो तीन, आप दोनों बताएं। बी सेकंड, बी आंसर आएगा, बी आंसर है, बी बी बी। अभी मैंने बताया था कि सेल्स क्रेडिट होती है और क्रेडिट हम करते हैं नेट अमाउंट से, सेल्स क्रेडिट होती है नेट अमाउंट से, और ये दिया हुआ इंक्लूसिव इंक्लूसिव ग्रॉस हो गया ना, तो आपको इसका नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। सही, तो नेट निकालने के लिए इसमें से सेल्स टैक्स माइनस करें, तो ये आंसर आएगा बी। अच्छा डायरेक्ट डायरेक्ट नेट अमाउंट पे निकाल सकते हैं इससे, डायरेक्ट नेट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड करें 115 से, तो डायरेक्ट आपके पास नेट अमाउंट भी आता है, या चाहे तो टैक्स निकाल के माइनस कर सकते हैं। ठीक है, पी आंसर। अच्छा ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये 126 का नाम क्या है, आवाज नहीं आ रहा। 126 अच्छा रिक्वायरमेंट इसकी गौर से पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है। ए एक आपका डी, बाकी बताएं वर्क इन प्रोग्रेस, आपका ए आ रहा है, ए ये वाले ज्यादा हो, ए ए बात एनर्जी है, पहला है ना इसलिए यहाँ काफी एनर्जी है जी। बाकी बताएं ए आंसर। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, अच्छा थोड़ा रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और से, व्हाट इज द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इन रिसिप्ट, रिसिप्ट रिकॉर्ड करनी है, सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी। ठीक है, रिसिप्ट
आंसर है इसका डी, डी आंसर आएगा। कैसे आएगा समझा देता, आंसर है डी। हाँ सब बता रहा सब बता। अच्छा 126 सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल्स, रुक जाए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट होता है ना। अच्छा अमाउंट बताएं जरा, रिसीवेबल में क्या अमाउंट आएगा, 282 कॉस्ट आ जाएगा, और नेट अमाउंट कितना है इसका, 240, तो सेल्स टैक्स 42 होगा ना। अच्छा ये एंट्री तो बनेगी सेल्स के टाइम पर, ये हमने क्रेडिट सेल्स की और रिकॉर्ड कर ली ना। जब कुछ दिन बाद हमें कैश रिसीव होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट होगा ना 282 से, सही। पहली एंट्री हमने बनाई क्रेडिट सेल्स की और दूसरी एंट्री कैश रिसिप्ट की बनी ना, ठीक। तब ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस रिसिप्ट, रिसिप्ट की एंट्री बतानी है। ऊपर क्या लिखा था, कैश ऑफ 282 रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल दैट हैड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट प्लस, तो ठीक है पहले उसने परचेज की थी, अब आपको रिसिप्ट आ रही है, कैश रिसीव हो रहा है, तो रिसिप्ट की एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, तो आंसर होगा डी। अब इसी तरह परचेज की भी बता देता हूं आपको, परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट होती है, सेल्स टैक्स डेबिट होगा, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है। अच्छा यही अमाउंट यूज कर लेते हैं, 282, 42 और 280, 42 और 282 हो जाएगा, 40 होगा, एक मिनट लिखा 240, हाँ गलत लिख, 80 की जगह 42 और ही 82 हो जाएगा ना, सही। अच्छा अब जब हम पे करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे फिर, अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 282 से, ठीक है। ये भी नोट कर लें एंट्रीज, रिसिप्ट और पेमेंट ये याद रखने के लिए लिख लें, आगे काम आएंगे। नेक्स्ट 127 व्हाट इज द डेबिट बैलेंस ऑन सेल्स टैक्स अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट बैलेंस, पेबल शो करता है रिफंडेबल, डेबिट बैलेंस रिफंडेबल, रिफंडेबल, ठीक है। अभी डी अकाउंट बनाया था हमने, आइए देखें ना, डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, रिफंडेबल, क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, डेबिट की बात होगी तो रिफंडेबल या रिकवरेबल ना, आंसर बताएं क्या होगा, ए, बाकी बताएं, एक आंसर आया ए, सी, आप कह रहे हैं बी, सी जी, करेक्ट आंसर सी, और सी में लिखा है ड्यू फ्रॉम, ड्यू फ्रॉम होता है रिसीवेबल रिफंडेबल, सी आंसर होगा ड्यू फ्रॉम। अच्छा 128 बाद में करेंगे, नोट कर लीजिए 129 नोट कर लें, अब 130 नोट कर लें। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं डिस्काउंट के टाइम पर ना, ये भी हो गया 132, वन थर्टी थ्री
अच्छा अब इस पे क्या है, ओपन बैलेंस है, सेल परचेज पेमेंट आ गए, मतलब सेम वही क्वेश्चन जो भी हमने किया था 120 डेट किया था, सेट किया था, हाँ 115 सेम दिया, कौन बनेगा सॉल्व करें। अच्छा सेल्स कितनी है? ठीक है सेल्स है 21,700, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड, हाँ क्योंकि लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 21,700। अब परचेजेस है 18,480 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा, अब ये इंक्लूडिंग इसको डिवाइड करेंगे 110 से कितना आ रहा है 1,680। पी अकाउंट बनाएंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ से कॉपी करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,210 और ये लिखा हुआ है ओइंग टू पेबल, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा 3,210। इसके बाद आप ये सेल्स टैक्स ऑन सेल्स क्रेडिट होगा और सेल्स टैक्स ऑन परचेज डेबिट होगा। इसके बाद पेमेंट है 2,890 डेबिट, अकाउंट क्लोज करते हैं 5,380 माइनस करेंगे डेबिट साइड तो 8,10 आ जाएगा बैलेंस आपके पास कैरेट ऑन और ये हो जाएगा प्रॉड, आंसर हुआ 8,10 क्रेडिट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,10 क्रेडिट ऑप्शन बी डेबिट क्यों होगा, ब्रॉट डाउन देखते हैं जब भी बैलेंस की बात होगी बीटी बनते हैं, कहाँ लिखा है कैरी डाउन, कहाँ लिखा है ओके 113 हो गया 133 नेक्स्ट, ये बाद में सॉल्व करेंगे 34 35 हो गया था 36 137 137 सॉल्व करें। अब ये देखें, हाँ कैश पेमेंट पेमेंट डेबिट साइड पर रिफंड क्रेडिट पे आएगा ना, रिफंड रिसीव हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर, उसमें टी अकाउंट बनेगा 137
पहले इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2400 क्रेडिट होगा, ओपनिंग बैलेंस 2400 क्रेडिट। इसके बाद है सेल्स टैक्स ऑन सेल्स 1050 क्रेडिट होगा, फिर सेल्स टैक्स ऑन परचेज 900 डेबिट, और यह रीपेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स वॉज रिसीव, इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट, सेल्स टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, 200 क्रेडिट साइड पर आएगा। अकाउंट क्लोज करते हैं 3650, माइनस करें 900, 2750, 2750। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एंट्री देखें क्या है, ये देखें, रिफंड इधर देखें कहाँ लिखा हुआ है, एडिट पे आता है। अब जब कैश से याद रखें ना, रिफंड हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश कहाँ जाएगा, डेबिट पे रिफंड हो रहा है तो कैश डेबिट होगा ना, तो सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा, इस समय याद रख लें। पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, सेल्स टैक्स डेबिट हो जाएगा, तो कैश से याद रख लें कैश। हो गया ये 139 इसी कह लिया था हमने, 139, 140 भी हो गया, फॉर्मूला यूज होगा, ओके 141 142 ये बाकी बताएं। सेल परचेज रिकॉर्ड कब करते हैं, जब आपकी इनवॉइस इशू करते हैं या इनवॉइस रिसीव होती है ना, तो टैक्स भी उसी टाइम पर रिकॉर्ड होगा, ये आंसर हो जाएगा। सप्लायर जब इनवॉइस इशू करेगा और कस्टमर जब इनवॉइस रिसीव करेगा उसके बाद रिकॉर्ड, ए आंसर। 143 हो गया पहले, सी आंसर रजिस्टर्ड बिजनेस होगा ना, सी। अच्छा ये हमने भी नहीं पढ़ा, इररिकवरेबल डेट्स बाद में सॉल्व करेंगे, ये हो गया है सी आंसर 145। ये बताया था मैंने एज रिसीवेबल एनालिसिस आपके कोर्स में अब नहीं है, पहले था, कंप्यूटराइज्ड है, इसको बाद में देखेंगे। रिकवरेबल एडेट 151 भी हमने किया क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था 114 जी, 114 क्या था, सेम वही है, टैक्स की परसेंटेज चेंज है, रिसीवेबल डेबिट होंगे ग्रॉस अमाउंट से ना, इसका ग्रॉस निकाले कितना बन रहा है, डी 500 का टैक्स बनेगा 20%, 100 100 ऐड कर लेंगे 600 ग्रॉस हो जाएगा, 500 उसमें टैक्स ऐड करें तो टोटल हो जाएगा 600, डी आंसर, डी आंसर होगा।
ऑप्शन डी 600। क्लियर डी। अमाउंट क्या लेते ग्रॉस के लिए? ग्रॉस आते ये क्या लिया हमने? ग्रॉस के लिए क्या करेंगे? टैक्स ऐड होगा, टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इनको हंड्रेड आएगा, 20% है, 100 आएगा। दोबारा कैलकुलेट करेंगे, 500 मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 20 से करें डिवाइडेड बाय क्रॉस होगा तो 120 होता सही है। हाँ मल्टीप्लाई करते तो 120। अगर डायरेक्ट निकालना है तो 120 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, डायरेक्ट क्रॉस आ जाएगा। ठीक है 152। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था हमने ना इससे पहले, अभी कह रहा हूँ 152। इसमें टिया कौन बनेगा सॉल्व करें? ओके देन नेक्स्ट। अच्छा 153 सॉल्व हो गया है, सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है 154 ये भी कर चुके हैं, ओके बता 155। मैंने इसी टाइप का पहले किया था, ये नहीं हुआ। 155। अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप बगैर कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की। कैसे? रिसीवेबल की बात कर रहे हैं तो रिसीवेबल डेबिट होता है ना, सेल्स के टाइम पर डेबिट होगा, तो ऑप्शन होगा ए या सी। आप ए होगा या सी, तो रिसीवेबल आपको पता है ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड होते हैं, और यहाँ इसने क्या दिया है एक्सक्लूडिंग नेट, तो ए तो नहीं होगा, तो बचा गया सी आंसर होता है। ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर ले। अब इसका टैक्स निकालें 20% ऐड करें तो वही बनेगा 500। तो ये बगैर कैलकुलेशन के हो सकता है, सही आंसर कैलकुलेट कर लें वही आएगा 507 आएगा ग्रॉस। रिसीवेबल की बात कर रहे हैं ना, सेल्स के टाइम पर रिसीवेबल क्या होते हैं, सेल्स की एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। हाँ सी, तो ये हो गया था 156। डिस्काउंट वाला हम कर चुके हैं पहले 157। ठीक है डेबिट के टाइम पे क्या टैक्स नहीं है डिस्काउंट। ठीक है तो ये हो गया कंप्लीट, आज फिर ये पे ऑफ करते हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर जाकर।